अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब महज चंद महीनों का ही समय बचा है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने नए सिरे से गठबंधन बनाए हैं। बीजेपी ने एनडीए का विस्तार किया है तो कांग्रेस जेडीयू जैसे 26 विपक्षी दलों ने साथ आते हुए इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है। इसके तहत सभी दल एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आम चुनाव को लेकर एक ताजा ओपिनियन पोल भी सामने आया है जिसमें अलग अलग राज्य के बारे में भी आंकड़े दिए गए हैं। CNX ओपिनियन पोल में बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा बीजेपी को 20, जेडीयू और आरजेडी को 7-7, LJPR को 2, RLP को 1, कांग्रेस को 2 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। इस तरह से एनडीए के खाते में बिहार में 24 सीटें जा सकती है जबकि बाकी 16 सीटें विपक्षी गठबंधन को मिल सकती है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तब जेडीयू और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस समय नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे लेकिन बाद में उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ दिया और महागठबंधन में जा मिले। इस वजह से बिहार में भी महागठबंधन की सरकार है जिसमें प्रमुख रूप से आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, वामदल शामिल है। बता दें कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में क्लीन स्वीप किया था। कुल 40 में से 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। इस हिसाब से ओपिनियन पोल के नतीजों में एनडीए को बिहार में झटका लग सकता है। सर्वे के मुताबिक 2024 में एनडीए को राज्य में 24 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। जानकारी की माने तो ओपिनियन पोल अभी पूरी तरीके से सामने भी नहीं आया है। कुल 543 सीटों में से 265 सीटों के ही आंकड़े सामने आए हैं। इसमें से एनडीए 144 सीटें जीत सकती है जबकि इंडिया अलायंस को 85 सीट मिलने का अनुमान है। वही अन्य दल भी 36 सीटें जीत सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बाकी की पूरी ओपिनियन पोल का प्रसारण शनिवार यानी कि 29 जुलाई को होगा। आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश में 25 सीटों में से YSR कांग्रेस को 18, TDP को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए और इंडिया को यहां एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो BRS को 9, एनडीए को 6 और इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिलती दिख रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां 5 सीटें बीजेपी, 2 सीटें इंडिया अलायंस को मिल सकती है। पंजाब में इंडिया अलायंस को सभी 13 सीटें मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक यहां एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। हरियाणा में एनडीए को 8 और इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिल सकती है। झारखंड में भी एनडीए को 13 और इंडिया अलायंस को 1 सीट मिल सकती है। एमपी की बात करेंगे तो इसमें 29 में से 24 सीट एनडीए को मिलती दिख रही है। वही इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां 11 सीटों में से एनडीए को 7 और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।